कोरोना वायरस के चलते अब जो है कोटेदारों को यहाँ भी सोशल डिस्टेंसिंग देखने को मिली। आज जो है राशन वितरण कर रहे हैं कोटेदार, जो है सरकार के निर्देश पर जो है मनरेगा कार्ड और जो है अंत्योदय कार्ड वालों को फ्री में हालांकि ये राशन वितरण कर रहे हैं, लेकिन जो है जो ये वही सब दुकानें होती थी जहाँ जो है लोग पहले जो है गल्ला लेने के लिए भीड़ लगाए रहते थे, लेकिन अब जो है सोशल डिस्टेंसिंग कोरोना वायरस को लेकर देखने को मिल रही है। मैं एक झलक दिखाना चाहूँगा जो है जो अनाज का गोदाम है कोटेदारों का, यहाँ जो है गेहूं और चावल है, लोग किस तरीके से आपस में सोशल डिस्टेंसिंग बना के खड़े हुए हैं, जो एक एक मीटर पर जो है ज़मीन पर गोले बनाए गए हैं, उस गोले में किस तरीके से लोग खड़े हुए हैं। हम अभी जो है बात करेंगे इनसे भी, कोटेदार से भी, जानेंगे किस तरह की जो है आप लोगों को सूचनाएँ दिए गए या निर्देश दिया गया है। जी भाई साहब, किस तरीके से आप लोगों को निर्देश दिया गया बांटने के लिए और क्या सारी प्रक्रियाएं हैं? हमें लोगों को ये दिया गया था निर्देश ऑफिस से, हमारे कार्यालय से, कि हमें 1.25 मीटर की दूरी पर एक सोशल डिस्टेंसिंग के लिए गोले बनाने हैं और जो व्यक्ति आएगा उसका हाथ धुलाने के लिए पानी साबुन का इंतजाम करना है और वो करवाने के बाद मशीन पे स्कैनर पे वो दिया गया सैनिटाइज़र। स्कैनर की जहाँ तक मशीन की बात आई थी तो कहा गया था कि स्कैनर से जो है गल्ले का वितरण नहीं होगा, अभी इसकी कोई जानकारी नहीं, हम लोगों को वितरण मशीन से करना है, वो हम लोग कर रहे हैं। तो अभी तक सुबह से कितने लोग ले जा चुके हैं? हमारे यहाँ से ले जा चुके हैं 36 PHH और एक अंत्योदय, 37 लोग ले जा चुके हैं। मतलब ये लगभग कितने दिनों तक ये जो है बांटा जाएगा? पहले 3-4 दिन में बांट के ख़त्म कर दिया जाता था, आप क्या है निर्देश? नहीं, पूरा महीना पहले भी बढ़ता था, लाभार्थी अपनी सुविधा अनुसार आता था और अभी भी जब वो अपनी सुविधा अनुसार आएंगे तो राशन लेकर के जाएंगे। कितने राशन कार्ड जो है आपके यहाँ हैं टोटल? हमारे यहाँ 63 मनरेगा सब मिला के? मनरेगा के वो लोग कार्ड लेकर के आएंगे, उसी में उनका PHH कार्ड बना होगा जिनको राशन दिया जाएगा फ्री। आप कॉस्ट किस किस जो है कार्ड धारकों को देने का निर्देश है? 4 लोगों का है, श्रम विभाग, मनरेगा जॉब कार्ड और नगर निकाय से जिनका ठेला खुंचा वालों का वो है रजिस्ट्रेशन और 4th नंबर पर उनका है अंत्योदय वालों को। अभी DM आए थे, क्या निर्देश दिया, क्या उन्होंने कहा आपसे? DM साहब ने सोशल डिस्टेंसिंग बनाने के लिए बहुत ज़्यादा वो दिया है कि उसकी दूरी हमेशा बनाए रखें और सबको गुणवत्तापूर्वक राशन देने की ये कहा है। तो ये थे मेरे साथ जो है बातचीत करने के लिए खुद कोटेदार, जिनको DM ने निर्देश दिया है सोशल डिस्टेंसिंग का और जो है लाभार्थियों को पूरी तरीके से इसका फ़ायदा पहुंचे इसका भी निर्देश DM ने दिया है। देखिए, पूरे जनपद लखनऊ में 1242 फेयर प्राइस शॉप्स हैं जो राशन की सरकारी दुकानें हैं, इसमें 640 दुकानें नगर के क्षेत्र में हैं और बाकी 600 दुकानें आपके देहात के क्षेत्र में हैं और 12 बजे तक ये प्रातः 6 बजे से लेकर के रात्रि 9 बजे के मध्य इसका कार्यक्रम है, वितरण सुनिश्चित किया जाएगा। और जो निर्देश हैं उसमें वर्तमान में जो हमारे अंत्योदय कार्ड धारक हैं या पात्र गृहस्थी के वो व्यक्ति जो मनरेगा कार्ड धारक हैं इस प्रकार से, या श्रमिक जो पंजीकृत मजदूर हैं, इन सभी को निःशुल्क राशन की व्यवस्था जो है वो की जा रही है इस माह की उठान की। और 12 बजे तक जो जनपद का आंकड़ा है उसमें 28,000 से अधिक लोगों ने अपने राशन को ले लिया है। प्रत्येक राशन की दुकान पर सोशल डिस्टेंसिंग हेतु 1-1 मीटर से ज़्यादा के गैप पे गोले बनाए गए हैं ताकि लोग उसी में खड़े रहें और एक एक करके अपने राशन को ले जाएं। और साथ ही साथ EPOS मशीन जहां पर मार्किंग होती है वहां पे सैनिटाइज़र की व्यवस्था रखी गई है, प्रत्येक व्यक्ति के सैनिटाइजेशन के बाद ही फिर वो EPOS मशीन के माध्यम से इसका वितरण होता है। और साथ ही साथ हर एक जो हमारे केंद्र हैं, ये फेयर प्राइस शॉप्स हैं, यहाँ पर ये अनिवार्य रूप से कहा गया है कि हर जगह पानी और साबुन भी रखें हाथों को धोने के लिए। कितना निशुल्क वितरण किया गया है? निशुल्क वितरण कितना किया जा रहा है जो कि पंजीकृत श्रमिक को, मनरेगा जॉब कार्ड और अंत्योदय वाले को दिया जा रहा है, तो क्या कितना दिया जा रहा है गेहूँ और चावल? देखिए, जो इनकी जो कोटा निर्धारित है उसको निःशुल्क कर दिया गया है। जैसे अंत्योदय कार्ड धारक जितना लेके जाते हैं वो निःशुल्क है। जो पात्र गृहस्थी में पहले चावल और गेहूं में जो 3 रुपये और 2 रुपये प्रति केजी लगते थे वो भी निःशुल्क कर दिया गया है, इस प्रकार से व्यवस्था की गई है। और सर्वर डाउन होने के लिए चूंकि आज से ही यह प्रारंभ किया गया है, इसी के लिए पूरे प्रदेश में चूंकि व्यवस्था एक साथ प्रारंभ है तो कहीं कहीं पर सर्वर की स्लोनेस की बहुत ज़्यादा शिकायत है, तो इस चीज़ को अवगत भी करा दिया गया है। और इसी के लिए टोकन और ऑब्लिक पर्ची की व्यवस्था की जा रही है कि जैसे मानिए अमूमन एक शॉप पर 400 से 500 के मध्य हमारे राशन कार्ड होल्डर्स हैं, तो ऐसी व्यवस्था बनाई गई है कि ये रोटेशन सिस्टम पे आ जाए। कुछ लोगों ने पहले दिन लिया क्रमांक संख्या 1 से लेकर के, फॉर एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, एक संख्या ए से तक, फिर ए से लेकर के बी तक अगले दिन ले लिया, इस प्रकार की व्यवस्था डेवलप की जा रही है ताकि सोशल डिस्टेंसिंग को 100% फॉलो भी किया जा सके। और जो हमारे राशन कार्ड धारक हैं जिनको ये अनाज वितरित किया जा रहा है, ये बिना परेशानी के और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करके अपने अनाज को ले सकते हैं। मेरे साथ कुछ और लोग हैं जो राशन लेने आए हैं। जी भाई साहब, आप कब आए हैं राशन लेने, क्या है?
12 बजे सर मैं यहाँ पर पहुँचा था, तो सर एक नंबर दिया गया, नंबर से हमें लोगों को दूरी बना करके समझा करके, खास दूरी बनाए रखो और अपने नंबर का इंतज़ार करके तभी ही राशन लेना है सर। अच्छा, 12 बजे जो है आप आए थे, इतना लेट आखिर हो रहा है, क्यों हो रहा है? अब सर लेट का मशीन का सर्वर डाउन होने की वजह से सर राशन वितरण प्रणाली में देरी हो रही है सर। देखिए, ये और भी लोग हैं जिनका साफ तौर पर कहना है कि जो सर्वर डाउन की वजह से जो है लोगों को दिक्कतें जो है झेलनी पड़ रही है। हमारे साथ एक विकलांग महिला भी हैं, हम इनसे जानना चाहते हैं ये कब आई। जी मैम, आप कब आई हैं यहाँ पर? जी हम 9:30 बजे आए। अभी तक आपको राशन नहीं मिला? जी नहीं मिला। मालूम पड़ा दिक्कत की किस लिए नहीं मिला आपको राशन? सर्वर डाउन है। सर्वर डाउन है, तो एक तरफ से देखने को ये मिल रहा है कि जैसे कि सोशल डिस्टेंसिंग ठीक है, कोरोना वायरस से जो है संक्रमण से बचने के लिए सब कुछ ठीक है, लेकिन दूसरी चीज जो सर्वर डाउन मशीनों का चल रहा है, इससे लोगों को काफी दिक्कतें झेलनी पड़ रही है। कोई 9 बजे आया है, कोई 11 बजे आया है, कोई 12 बजे आया है, जिससे लगातार लोगों को परेशानी झेलनी पड़ रही है। इस पर जो है सोचना चाहिए कि जिस तरीके से सर्वर डाउन चल रहा है, लोगों को इतना लंबा इंतजार करना पड़ रहा है, तो आखिर अगर ऐसे ही चलता रहा तो ये लोग कितने दिनों में राशन को पूरी तरीके से वितरण कर पाएंगे? सत्योदय के लिए पंकज गुप्ता के साथ शकील अहमद, लखनऊ।